नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखो दोस्तों, आप हमेशा मुझसे कहते थे जब भी मैं बैंक प्राइवेटाइजेशन की कोई वीडियो डालता था, आपका कमेंट्स मेरे पास एक ना एक जरूर आता था। आप कहते थे देख लेना सर, ये सरकार दो बैंकों का निजीकरण करके ही दम लेगी। और मैं आपसे क्या कहता था, मैं आपसे कहता था भैया रुक जाओ, बैंकों का निजीकरण इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है। देखो दोस्तों, बैंकों का निजीकरण इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है पहली चीज, लेकिन साहब बैंकों को स्थिति को सुधारने के लिए कुछ समय चाहिए था। बैंकों को अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ समय चाहिए था, जो स्थिति इनकी बिगड़ी हुई थी। अब सरकार जो है इसमें लगातार पैसे भी डाल रही थी, हर बार आपने देखा होगा। समस्याएं कई थी इन सरकारी बैंकों में, एक तरफ इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, एक तरफ सरकार बार बार पैसे डाल रही थी। इसका कारण ढूंढा गया तो कारण एक ही समझ में आया कि जब तक एनपीए की रिकवरी हो तब तक इन बैंकों के आर्थिक हालात सुधर सकते हैं अगर निजीकरण शब्द का प्रयोग कर लिया जाए। सरकार ने यही करा, निजीकरण कह तो दिया लेकिन करा नहीं, और इस निजीकरण शब्द से ही इन बैंकों के हालात सुधरने सही हो गए, क्योंकि इन बैंकों के जो शेयर्स थे वो पब्लिक ने खरीदने शुरू कर दिए, इनके पास पैसा आया और साहब इनकी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति सही होती गई। दूसरी तरफ एनपीए रिकवरी भी शानदार तरीके से इन बैंकों ने करनी शुरू कर दी। समझ गया ना बात, यानी सरकार को समय चाहिए था। जो सरकार जिस मतलब ट्रैक पे काम कर रही थी उस ट्रैक पे कुछ समय लगता, यानी एनपीए रिकवरी में कुछ समय लगता, लेकिन इधर बैंकों को भी बचाना था, इनको पैसे की आवश्यकता थी, बार बार सरकार इसमें पैसे तो नहीं डाल सकती थी, इसीलिए निजीकरण शब्द का प्रयोग किया गया। एक तरफ बैंकों के पास पैसे आए, पब्लिक ने इनके शेयर खरीदे, बैंकों के पास पैसे आए, दूसरी तरफ एनपीए रिकवरी भी शुरू हुई, दोनों तरफ से साहब ये बैंक मजबूत होते चले गए। आज एक रिपोर्ट आई है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लगा दी है, उसे देखिए, समझिए, जानने की कोशिश करिए, पढ़ा करिए ऐसी चीजें। मैं डेली पढ़ता हूं, इन्हीं के आधार पर तो मैं आपको न्यूज बताता हूं। उसमें यह कहा गया है कि एक बहुत अच्छी रिकवरी इन सरकारी बैंकों ने एनपीए में की है, यानी कि जो इनके एनपीए थे दोस्तों वो कम हुए हैं। 8 लाख करोड़ से जो इनके एनपीए थे मार्च 2021 में, वो घटके 7 लाख करोड़ से भी नीचे आ गए हैं। प्रतिशत में अगर बात करेंगे 7.5 से घटके साहब मेरे ख्याल से 7% या 6% के आसपास इनके एनपीए हो गए हैं, यानी 1 लाख करोड़ का शार्प डिक्लाइन आया है इनका एनपीए में। एनपीए कम हो रहे हैं लगातार। अब ऐसी सिचुएशन देखिए ना, सिचुएशन को देखिए, पेंडेमिक का दौर, रशिया यूक्रेन, इधर चाइना ताइवान, इन्फ्लेशन टॉप, ऐसी स्थिति में अगर ये सरकारी बैंक एनपीए भी कम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे दोस्त। यही तो सरकार चाहती थी और यही बैंकों ने डिलीवर करा। तो साहब सरकार को समय चाहिए था और यही समय का यूटिलाइज किया, इसी समय को मेरे ख्याल से यूटिलाइज करते हुए इन बैंकों ने एक अच्छी खासी एनपीए की रिकवरी हुई। बहुत सारे लोन जो इसमें है राइट ऑफ के हैं, वो मैं आपको क्लास में टेलीग्राम चैनल पे बताता रहता हूं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, और जो कोई दिक्कत परेशानी हो राइट ऑफ कैसे किए जाते हैं लोन, वो मुझसे फोन कॉल पे पूछ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के दोस्तों एनपीए में साफ डिक्लाइन हो रहा है, ये रिपोर्ट पूरी बता रही है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगी हुई है कि किस प्रकार सरकारी बैंकों में एनपीए कम हो रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन सरकार क्यों कर रही थी, इसीलिए तो कर रही थी, एनपीए ही तो बड़ा मुद्दा था। निजीकरण के लिए जो निजीकरण हो रहा है सरकारी बैंकों का, वो एनपीए के कारण हो रहा है। अब जब ये एनपीए ही कम होंगे तो निजीकरण कैसे हो जाएगा, लेकिन इसके लिए समय चाहिए दोस्त। ऐसा नहीं है कि आनंद फानंद में एकदम साफ सरकार को स्टेप उठा लेगी, समय चाहिए और बैंकों को पैसा भी चाहिए। पैसा कहां से आएगा, शेयर मार्केट के थ्रू। कैसे, जब निजीकरण की खबरें चलेंगी, इधर ये बैंक क्या करेंगे, एनपीए की रिकवरी करेंगे।
एक पंथ दो काज। निजीकरण के शब्द ने दोस्तों बहुत इनको मेरे ख्याल से बूस्टर डोज प्रदान किए हैं। आप अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात है कि किस तरह निजीकरण शब्द ने साहब इनकी आर्थिक स्थिति को उबारने में मदद की है। और दूसरी तरफ बैंकों ने भी जी जान से साहब अपना परफॉर्मेंस दिया है। छोटे से छोटा बैंक, बड़े से बड़ा बैंक, कंपटीशन की भावना यही तो चाहती थी सरकार कि इनके अंदर कंपटीशन की भावना हो। आप अच्छा काम कर रहे थे, आप इससे भी अच्छा काम कर सकते हो, वही सरकार ने कहा करो, कर सकते हो तो इससे भी अच्छा करो। आपने दिखा दिया, लो ये रहा बिजनेस। आप देखिए ना, हर किसी सरकारी बैंकों का इस परिस्थिति में भी, जिस प्रकार का एनवायरमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उस परिस्थिति में भी साफ सरकारी बैंकों ने शानदार चांदा परफॉर्मेंस की। रोड रिजल्ट बता रहा हूं आपको मैं, और एनपीए रिकवर हो रहे, क्या कहने साहब। तो इन चीजों को दोस्तों समझिए, वो रिपोर्ट पूरी पढ़िए टेलीग्राम चैनल पे जो लगी हुई है, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। और साहब बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको मैं देता रहता हूं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं और 101% अपनी श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि ये निजीकरण मुझे नहीं लगता कि सरकार करेगी इन सरकारी बैंकों का। मर्जर ही इसका एकमात्र रास्ता है और विकल्प है। तो इसी के साथ वीडियो होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात। तब तक इंतजार, फाइनली नमस्कार।